हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू पी क्यूब इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो इसके लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं हम। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? हमें पता है कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सिमेट्री की लिख देते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं अगर हमारा ए कॉमा बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बी कॉमा ए भी जो है वो आर रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए, और जो ए कॉमा बी है वो हमारे किसी एक ही सेट के एलिमेंट है, जैसे कि सेट ए के एलिमेंट है। इसके अलावा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव इसका मतलब होता है अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहे हैं कॉमा बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा सी भी जो है वो आर से रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए, जहां ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों एलिमेंट किसी सेम सेट ए से बिलोंग करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी क्यू। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके से देखते हैं। हम सबसे पहले सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे कि हमने ए कॉमा बी यहाँ पर ले लिया है 1, 4, तो 4, 1 भी इस आर रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ए कॉमा बी हमने लिया है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ए की वैल्यू है 1 इज लेस देन बी की वैल्यू है 4 का क्यूब, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई कर रही है। अब बी कॉमा ए चेक करते हैं, बी कॉमा ए क्या हो जाएगा 4, 1, तो क्या 4, 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? देखते हैं, 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, तो ये तो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिलेशन आर है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो द रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे हमें शो करने के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ पे हेंस लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे हम हेंस लिख लेते हैं, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम ऐसे ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, तो इसके लिए भी हम एग्जाम्पल से ही चेक करेंगे इसको। तो इसके लिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव। तो इसके लिए हम लेते हैं ए बी सी, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 1.5 एंड सी इज इक्वल टू 1.3। तो यहाँ से ए कॉमा बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, और बी कॉमा सी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। चाहे तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू 1.5, तो इसका मतलब 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब। अगर हम इसका क्यूब निकालेंगे 1.5 का, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाता है हमारा 3.375, जो कि 3 से बड़ा है। तो ये तो हमारा सही है। बी कॉमा सी देख लेते हैं, तो 1.5 इज लेस देन इक्वल टू 1.3 का होल क्यूब। तो यहाँ पे 1.3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 2.197, तो ये हमारा बड़ा है 1.5 से, तो ये भी हमारा सही है। तो अब हमें यहाँ से देखना है क्या ए कॉमा सी भी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। तो देखते हैं, तो यहाँ से ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है हमारे पास 1.3 और इसका होल क्यूब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इज लेस देन 1.3 का होल क्यूब 2.197। तो ये तो हमारा गलत है, क्योंकि जो 3 है वो हमारा बड़ा है 2.197, तो ये हमारी कंडीशन रॉन्ग हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हेंस रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें यहाँ पे यही प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ होकर के आ गया है। तो यही आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।